तो हेलो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो में फिर बात करते हैं एक और स्टॉक की जिसमें आज फिर धमाका हो गया है। जी हाँ, बात करेंगे बिरला सॉफ्ट की। बिरला सॉफ्ट के चार्ट में आज फिर बहुत ही बढ़िया रैली देखने को मिली है और कंटिन्यूसली आज थर्ड डे में बहुत ही अच्छी रैली देखने को मिली है। ये स्टॉक 6.09% ऊपर क्लोज हुआ है। अब इसकी जो प्राइस है 327 को क्रॉस कर गई है। तो दोस्तों, एक टाइम था जब ये स्टॉक नीचे ही गिरता जा रहा था, तो इसके इन्वेस्टर्स परेशान थे कि सर ये स्टॉक कब ऊपर आएगा। अब देखो, ये स्टॉक ने बहुत ही बड़ा धमाका कर दिया है। तो आइए इसके आने वाले टाइम में टारगेट जान लेते हैं और इसका एनालिसिस कर लेते हैं। नए आए हो, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें। इससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें। दोस्तों, बिरला सॉफ्ट के स्टॉक में आज थर्ड डे कंटिन्यूसली बढ़िया रैली देखने को मिली है। तो इसके स्टॉक के वॉल्यूम में भी बहुत ही बड़ा जंप देखने को मिला हुआ है। तो आइए अब मार्केट एनालिस्ट क्या कह रहे हैं वो एक बार देख लेते हैं। ए होस्ट ऑफ द ब्रोकरेज हैव सजेस्टेड शेयर टारगेट्स इन द रेंज ऑफ 300 to 400। दोस्तों, डिफरेंट जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं इस स्टॉक पे डिफरेंट टारगेट दे रहे हैं। 300 से लेके 400 तक के टारगेट इस स्टॉक पे आ रहे हैं। द एनालिस्ट सेड दैट द बिरला सॉफ्ट स्ट्रगल्ड ऑन द ग्रोथ फ्रंट इन द प्रीवियस लास्ट टू क्वार्टर्स बट रिकवर्ड शार्पली इन द क्वार्टर फोर। तो क्वार्टर फोर के नतीजे क्लियरली रिकवरी शो कर रहे हैं, पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहे हैं ऑन द स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन द US एंड की वर्टिकल्स। तो डिफरेंट जो इसके वर्टिकल्स हैं वहां पे रिकवरी देखने को मिली है। US में भी डिमांड बढ़ गई है, तो इसीलिए इसके स्टॉक में जो है शानदार रैली देखने को मिल रही है। आज भी इसके स्टॉक में बहुत ही बढ़िया ट्रेंड देखने को मिला है। नुवामा की बात करें तो This has said that the new CEO is restructuring Birla Soft by cutting tail accounts to the focus on key clients, changing organizational structure and improving the leadership bench. अब जो नए CEO हैं वो इस कंपनी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, उसकी बिजनेस की ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं। तो इसलिए आने वाले इसकी जो टाइम है, जो अर्निंग की ग्रोथ है उस पर पॉजिटिव जो है वो है मार्केट। मार्केट का कहना है, डिफरेंट एनालिस्ट का कहना है कि ये कंपनी अब जो है वो पॉजिटिव परफॉर्म कर सकती है और यहाँ पे मिक्स टाइप का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। ICICI सिक्योरिटीज सेड दैट चेंजेस इन द मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चरिंग, हायरिंग ऑफ द न्यू वर्टिकल लीडर्स आर लाइकली टू हेल्प रिकवर द रेवन्यू ग्रोथ मोमेंटम। तो आने वाले टाइम में भी रेवन्यू के ग्रोथ में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, ग्रोथ देखने को मिल सकती है अलोंग द की वर्टिकल्स एंड डिफरेंट जियोग्राफीज के अलोंग इसकी जो ग्रोथ है वो देखने को मिल सकती है। इट सीज द रूपी रेवन्यू फॉर द बिरला सॉफ्ट टू ग्रो 8.3% CAGR फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23 to 25 और एबिटा मार्जिन जो है वो 16% के हिसाब से ग्रो कर सकते हैं अप टू द फाइनेंशियल ईयर 25 ई। तो आने वाले टाइम में ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन दोस्तों शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत ही प्रॉफिट बुकिंग रह सकती है। तो उससे आपको फियर में या पैनिक में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 5 दिन में ये स्टॉक 5.70% रैली कर गया है। 1 मंथ में भी ये जो स्टॉक है शानदार रैली करता दिखाई दे चुका है, 26% के अकॉर्डिंगली रैली हो गई है। 6 मंथ में देखो 18% के अराउंड जो है इस स्टॉक में रैली है, क्योंकि पहले जो इसका रेजिस्टेंस लेवल है वो 331 के राउंड है। तो आने वाले टाइम में आपको इस लेवल पे फोकस करना है, क्योंकि दोस्तों पहले भी इस स्टॉक ने 331 को क्रॉस करने को अटेम्प्ट किया था ऑन द 2nd December, लेकिन इसको क्रॉस कर नहीं पाया और इसमें आपको स्लोली स्टेडली गिरावट देखने को मिली। अब बॉटम फॉर्मेशन के बाद 250 के राउंड इस स्टॉक में ब्यूलिश रिवर्सल हो गया है। तो आने वाले टाइम में यदि ये जो स्टॉक है ये 330 के लेवल को ब्रेक कर लेता है तो फिर बहुत ही बड़ा धमाका हो सकता है। इस स्टॉक में आपको 400 तक के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं विद इन नेक्स्ट 6 मंथ टू 1 ईयर। तो इसलिए आपने जो है 331 के लेवल पे फोकस करना है, जो कि इसका नियर टर्म का रेजिस्टेंस लेवल रह सकता है। अदरवाइज दोस्तों कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत नहीं है इस कंपनी में। 5 ईयर्स में 100% के रिटर्न्स हैं और मैक्सिमम भी इस स्टॉक में शानदार रिटर्न्स बन चुके हैं, 3582% के रिटर्न्स बन चुके हैं। और इसकी अब वैल्यूएशन भी सही होती दिखाई दे रही है, पीई मल्टीपल्स 27 के राउंड है और डिविडेंड जील्ड भी अच्छा है, 1.37% का है। तो इसलिए आप इस स्टॉक में सिप के थ्रू एंट्री करते रहें और लॉन्ग टर्म के लिए बने। थैंक्स अगेन।